मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं। और क्या उठ चुका है? क्यान को मम्मा पिला रही है मिल्क शेक। एंड क्या खा रहा है क्यान? ब्रेड एंड मेयोनीज का सैंडविच। कम या बेटा, आइए आओ आओ बेटा, खा लो मम्मा, खा लो। आ जाओ जल्दी, इधर आओ, उठ के आओ। ये देखो कार्टून आ रहा है ना, कार्टून देख लो। आ जाओ, ये मम्मा मारेगी क्यान। कम या दिस इज नॉट द वे टू ईट कैन। ओके, सो सोच रही हूँ मैं सारे गर्म कपड़े जो हैं उन्हें मैं रख दूँ। और मेरे बहुत सारे सूट्स भी हैं, मेरी सासू माँ भी आई थी अभी बीच में, तो उन्होंने भी देख ही गया था मुझे। वो सारे भी मैं रख दूँ अच्छे से कहीं, कि पहनती तो हूँ नहीं मैं उतने, तो एटलीस्ट उन्हें सही से संभाल के रख देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं वो काम कर लूँ, तो मैं आपको अपने सूट्स भी दिखाऊँगी कि मेरे पास कैसे कैसे सूट्स हैं। ऐसी पड़े हुए पहनती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं गर्मी में तो मैं कहीं नहीं निकलना चाहती, सॉरी। मुझे गर्मी में कोई बोले कि बाहर चलो तो मैं ना ही बोल देती हूँ। चलिए, तो मैं अपने सूट्स निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपने सारे सूट्स, और गर्म कपड़े मैं अंदर रख देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने बैग्स निकाल लिए हैं, अलमारी भी मैंने खाली कर लिया है। ये देखिए मेरी छोटी अलमारी है, जब कैन हुआ था तब हमने ये छोटी सी अलमारी लिया था, इसमें कैन के कपड़े रखेंगे। फिर और एक लिया था मैंने, ये इसके कपड़े खिलौने सब बढ़ते जा रहे थे, तो इस अलमारी में मैंने सारे गर्म कपड़े रखे हुए थे जो मैंने निकाल के रखे हैं। और वहाँ मैंने रखा है एक बैग, वहाँ है एक बैग, वो सारी चीज़ भी मुझे समेटने हैं, अब मुझे रखना है उस बैग में। मैं सोच रही हूँ डाल दूँ उस बैग में, मेरे कुछ घाघरा चोली हैं, और ब्लैक वाले बैग में मेरे कुछ सूट्स हैं जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे और कुछ मैंने खरीदे थे। तो वो सारे चीज़ें अभी मेरे को समेट के रख देने हैं, क्योंकि अभी ठंड नहीं है इतनी और मैं सूट पहनती भी नहीं हूँ ज़्यादा। ओकेशनली कहीं अगर ऐसा है, कुछ फंक्शन हुआ शादी उदी जैसा, तो मैं पहनती हूँ। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें रख दे रही हूँ कि हाँ जब ज़रूरत पड़े तब हम पहन सकते हैं। और ये देखिए कैन क्या कर रहा है, वहाँ बहुत गंद हो चुकी है तो वो हटा रहा है, घुसना है उसको। नहीं, मम्मा दे रही आपको, चलिए आप आइए बाहर, मम्मा दे रही आपको, चलो। तो चलिए मैं कर लेती हूँ सब सामान, बैग में डालती हूँ समेट के। कैन के टॉयज भी धोने हैं मुझे आज, पहले मैं दाल चढ़ा लूँ फिर मैं सारा काम करने लगती हूँ, कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, बिकॉज वी वुमेन्स आर सुपर वुमेन। क्या हुआ? ये है मेरा एक घाघरा चोली, ये भी मैंने स्टिच किया था, ये वेलवेट वाली की चुन्नी है। हाँ ये वेलवेट है, ये सेमी स्टिच था, इसका सिर्फ ब्लाउज मैंने सिला था बट ब्लाउज मेरा खो गया है। ये मैंने सिला है, ये घाघरा चोली मैंने सिला है, एंड इसकी ये इसका ब्लाउज है। एंड दिस वन इज चुन्नी। कमेंट में जरूर बताइएगा जब देख रहे हैं कि मेरा सिला हुआ घाघरा चोली कैसा लगा आपको।
मेरी रेडीमेड साड़ी, ये मेरी रेडीमेड साड़ी है जिसे मैंने एक ही बार पहना है, इसके बाद मैंने पहना ही नहीं ज्यादा। तो लेट्स सी, कोई ओकेशन आता है तो पहनेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मैं सब पहले निकाल लूं फिर मैं करूँ। देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये देखिए। वाहेगुरु बेटा, गिर जाओगे, क्यों उसमें चढ़ते रहते हो आप। चलो आओ, उतरो उतरो, मम्मा को काम में उतर जाओ। अरे नहीं नहीं बाबा, लग जाएगी आपको। नो नो जंपिंग, क्या नो जंपिंग, नहीं आऊंगी, नहीं आती, नहीं आती। झाड़ू से मार रहा है मुझे, क्या झाड़ू लेके चिया चिया कर रहा है। हाँ मैं ले लूँ, क्या करूँ, साफ करूँ, गंदू है, छी है, अच्छा छी है, गंदू है। ओके फाइन, मम्मा क्लियर करती है। सो मेरा दाल बॉईल हो चुका है, रूम भी मैंने क्लीन कर दिया, मैंने आपको दिखाया था। सूट्स मैंने आज नहीं किए कि मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया है। मैं क्या बताऊँ आपको मेरा मूड क्यों ऑफ हुआ है। आप लोग भी हंसेंगे, जो मेरे वीडियोस देखेगा वो भी बोलेगा कि क्या है, इसके वीडियोस इतने फेमस हैं ही नहीं, बड़ी यूट्यूबर है ही नहीं, फिर भी ये बातें कर रही है। बट यार सच में रोना आता है, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। मेरे 70 से 80 ड्रॉप हुए हैं, बट मैंने उन लोगों को नहीं अनसब्सक्राइब किया है। हाँ, जिनके मुझे पता चले मैंने उनके कर दिए अनसब्सक्राइब। ऐसे कि कोई अमरेश करके था, उसे हम कितने बार बोला कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैंने आपको कर दिया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने उसका अनसब्सक्राइब कर दिया। बट मैंने किसी का भी अनसब्सक्राइब नहीं किया है जिनको मैंने सब्सक्राइब किया था। और हाँ, 70 से 80 मेरे ड्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद से ही मेरा यूट्यूब में जो शॉर्ट्स जाते हैं, पहले मेरे शॉर्ट्स को एटलीस्ट 600, 700, 800, 900 ऐसे व्यूज़ मिलते थे। आप मेरे पुराने शॉर्ट्स देख लीजिएगा। बट अभी ऐसा हो गया है कि सिर्फ 2-3 ही व्यूज़ आते हैं, उसमें मुझे शॉर्ट्स में व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो प्लीज़ यार, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ ना करें आप लोग। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, कि वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो आपका चैनल का इम्प्रेशन भी ख़राब होगा यूट्यूब के सामने, और आपके भी शॉर्ट्स या वीडियोस हैं जो वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना करें आप लोग। अगर सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट
इस तरीके का काम मत करो, दिखाने के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर आप जाके पीछे से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं मेहनत करने की कोशिश करती हूँ, वो फालतू जा रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मत करिए ऐसा, मत करिए प्लीज़। और जिन्होंने भी किया है अगर आप फॉलो बैक कर सकते हैं तो करिए, वरना हम भी आपको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मगर हम नहीं करेंगे कि किसी का चैनल इम्प्रेशन मैं नहीं ख़राब करना चाहती।